कहां तक पढ़ाए थे लास्ट क्लास में? टू पॉइंट इंटरसेट फॉर्म बता रहे थे सर। एक तो स्लोप पॉइंट फॉर्म बता दिए थे, स्लोप पॉइंट फॉर्म बताए थे ना। हाँ सर, टू पॉइंट फॉर्म भी बता दिए थे। यस सर, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म भी बता दिए थे। हाँ सर, यस सर। हेडिंग दो, इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म। देखो इंटरसेप्ट फॉर्म है क्या है और कैसे बनाते हैं। तुम लोग हम लास्ट क्लास में ये तो बता चुके हैं कि लाइन के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन होता है वो ये होता है, बताए थे ना, याद है ना। हाँ सर। किसी भी लाइन का इक्वेशन जब कभी भी तुमको निकालना हो, किसी भी लाइन का इक्वेशन जब कभी भी तुमको निकालना हो, तो उसका सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, जहां पे y1 और x1 जो है वो तुम्हारा पॉइंट है, राइट। y1 और x1 क्या है? तुम्हारा पॉइंट है। और m क्या है? तुम्हारा m, m तुम्हारा स्लोप ऑफ द लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। बताए थे ना ये m किसको रिप्रेजेंट करेगा? स्लोप ऑफ द लाइन। क्लियर है ये चीज? हाँ सर। ठीक है, अब सुनना, इंटरसेप्ट के बारे में बता चुके हैं। इंटरसेप्ट के बाद के केस में हम क्या बताया थे कि अगर तुम्हारा लाइन है ये एक्स एक्सिस को यहां पे कट किया, एक्स एक्सिस को अगर इस जगह पे कट किया, तो ओरिजिन, ओरिजिन और ए, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को एक्स इंटरसेप्ट कहते हैं। बताए थे ये? अगर वाई एक्सिस को यहां पे कट किया तो ओरिजिन और ये पॉइंट, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम कहते हैं वाई इंटरसेप्ट। याद है ना? यस सर। अब सुनो, इंटरसेप्ट फॉर्म। गुड मॉर्निंग सर, गुड इवनिंग सर। ध्यान देना, इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म का क्या हाल है और क्या होता है? इंटरसेप्ट फॉर्म के केस में क्या होगा? यहां पे एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट मालूम होगा। इंटरसेप्ट फॉर्म में एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट दोनों मालूम होगा। जैसे ये तुम्हारा वाई एक्सिस, ये तुम्हारा एक्स एक्सिस, ये तुम्हारा एक स्ट्रेट लाइन। ध्यान दे रहा, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये तुम्हारा एक स्ट्रेट लाइन। ये जो स्ट्रेट लाइन है एक्स एक्सिस को यहां पे कट किया, ये जो स्ट्रेट लाइन है वाई एक्सिस को यहां पे कट किया, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ, मतलब एक्स इंटरसेप्ट मालूम है, वाई इंटरसेप्ट मालूम है। इस केस में क्या रहेगा कि एक्स इंटरसेप्ट पहले से ही मालूम होगा और वाई इंटरसेप्ट मालूम होगा, उसके बाद कहेगा कि आप इस लाइन का इक्वेशन फाइंड कीजिए। समझ में आया? इंटरसेप्ट फॉर्म में एक्स इंटरसेप्ट मालूम होगा और वाई इंटरसेप्ट मालूम होगा। जैसे यहां पे गौर करो, ये एक्स इंटरसेप्ट पता है कि ये ए के बराबर है, ये वाई इंटरसेप्ट पता है कि ये बी के बराबर है। तुमको इस लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है। कैसे फाइंड होगा, कोई बता सकते हो सोच के? हाँ सर, दो को पॉइंट मिल जाएगा इंटरसेप्ट के कारण। कौन कौन सा पॉइंट मिलेगा? एक कॉमा जीरो जीरो, एक कॉमा जीरो जीरो कॉमा बी। बहुत बढ़िया। ये अगर ए है तो ये पॉइंट ए कॉमा जीरो होगा, ये अगर बी है तो ये पॉइंट जीरो कॉमा बी होगा। तुम बताओ, इस स्ट्रेट लाइन पे दो पॉइंट पता चल गया। यहाँ पे गौर करो, x1 और y1 चाहिए, तो मान लेते हैं ये तुम्हारा x1 और y1 है, तो बताओ x1 y1 पता है a कॉमा जीरो। अब क्या चाहिए? स्लोप चाहिए। स्लोप का फॉर्मूला तुम लोग सभी लोगों को पता है, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 होता है। तो ये एक पॉइंट है जीरो कॉमा बी और ये एक पॉइंट है a कॉमा जीरो, तो इन दोनों पॉइंट के मदद से हम स्लोप निकाल सकते हैं कि नहीं? यस सर। स्लोप यहाँ पे क्या बनेगा? वाई टू माइनस वाई वन मतलब बी माइनस जीरो बनेगा ना, बी माइनस जीरो। और ये क्या आएगा? जीरो माइनस ए आएगा। अब बताओ, ये तुम्हारा माइनस बी बाई ए के बराबर हुआ, तो स्लोप तुम्हारा किसके बराबर हो गया? माइनस बी बाई ए के बराबर हुआ है ना। यस सर। स्लोप तुम्हारे पास निकल चुका है, स्लोप जो है वो माइनस बी बाई ए के बराबर है।
और x1 y1 का काम कौन कर रहा है यहाँ पे a कॉमा जीरो, जाके इन सब को यहाँ पे रख दो तो ये क्या बनेगा y माइनस y1, हियर y1 इज व्हाट जीरो इज इक्वल टू m, m का काम कौन करेगा माइनस b बाई a करेगा तो ये माइनस b बाई a हुआ इंटू x माइनस x1, x1 का काम यहाँ पे कौन कर रहा है a करेगा। अब हम इस a को अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये ए वाई हुआ, ये तुम्हारा क्या बनेगा माइनस बी एक्स बनेगा, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो ए बी बन जाएगा। इस बी एक्स को उठा के हम इधर भेज देते हैं राइट हैंड साइड में तो गौर करना क्या आ जाएगा बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू ए बी बनेगा। देखो इस बी एक्स को इधर भेजे तो बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू ए बी बनेगा कि नहीं, हाँ या ना? जी सर हाँ बनेगा बनेगा। अब हम दोनों तरफ ए बी से डिवाइड करते हैं, किससे डिवाइड करते हैं ए बी से, तो ये बी एक्स बाई ए बी, बी एक्स बाई ए बी प्लस ए वाई बाई ए बी इज इक्वल टू ए बी बाई ए बी बना। अब देख यहां से बी और बी कैंसिल, यहां से ए और ए कैंसिल, तो तुम्हारे पास एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू वन आया कि नहीं? हाँ सर। समझ में आया बढ़िया से सभी लोगों को? यस सर। इसमें हम y इंटरसेप्ट को भी तो लेकर के कर सकते थे ना? हाँ या देखो हम लास्ट क्लास में बताए थे, याद होगा तुम लोगों को, लास्ट क्लास में हम क्या बताए थे कि x1 y1 तुम इसको भी मान सकती हो और इसको भी मान सकती हो, उससे रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम यहाँ पे x1 y1 a कॉमा जीरो को माने हैं, तुम चाहो तो यहीं पे अभी मान के चलो x1 जीरो को मानो और y1 b को मानो, तुमको सेम रिजल्ट ही मिलेगा। आया समझ में? यस सर। किसी को अगर कुछ भी पूछना है तो पूछ के क्लियर करो, ये नहीं हम चाहते हैं कि कंफ्यूजन किसी के मन में थोड़ा सा भी रहे। पूछना है किसी को? नहीं छापो फिर जल्दी लिखो फास्ट या स्क्रीनशॉट ले लो। सर वो वाला पेज निकालिए ना इसके बाद वाला, सर स्क्रीनशॉट ले लो तेज से। बोलो यहाँ तक समझ में आया सबको? जी सर। अब क्वेश्चन दे? जी सर। यस सर। लिखो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। एक बार पीछे वाले पेज में जाइए ना सर एक बार और। यस सर। स्क्रीन शॉट ले लो ना, फिर स्क्रीन शॉट ले लो तेजी से। सेव बार पीछे उससे पीछे वाला स्क्रीन शॉट ले ले रहे सर। हो गया स्क्रीनशॉट लेने में इतना टाइम लगता है आजकल सर? सर एक क्वेश्चन पूछना था। क्या बोलो सर? वहां पे माइनस था तो एक में माइनस आता है ना सर? क्या आता है सर? बोला पेज निकालिए बताते हैं सर। ले निकाल दिए सर। तो अगर किसी को भी ओके सर ठीक है सर हम गड़बड़ किए। सुनो लिखो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन विच पासिस थ्रू द पॉइंट 4, -2। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन विच पासिस थ्रू द पॉइंट 4, -2 and whose y-intercept is twice the x-intercept. Find the equation of the straight line which passes through 4, -2 and whose y-intercept is
ट्वाइस द एक्स इंटरसेप्ट। अब सुनना, हम इस क्वेश्चन के मदद से हम हर प्रॉब्लम का कंसेप्ट देने जा रहे हैं। देखो, ध्यान देना सब, तुमको एक लाइन का ही क्वेश्चन निकालना है जो पास करा 4, -2 से। एक लाइन का इक्वेशन चाहिए जो कि किससे पास करा 4, -2 से। उसके बाद क्या कह रहा, ध्यान देना, यहां पे एक कंडीशन पॉइंट से रिलेटेड है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट 4, -2। तो मतलब कि एक पॉइंट तो गिवन है, इसका जो दूसरा सेंटेंस उसमें क्या कह रहा है, हुज वाई इंटरसेप्ट इज ट्वाइस द एक्स इंटरसेप्ट। मतलब यहां पे जो दूसरा सेंटेंस है वो इंटरसेप्ट से रिलेटेड है। तो जब भी तुम इस टॉपिक पे प्रॉब्लम बनाओगे तो तुमको एक लाइन ऐसा जरूर, मतलब एक पॉइंट ऐसा जरूर मिलेगा जिससे लाइन पास करेगा। याद रखना, एक पॉइंट ऐसा जरूर दिया रहेगा जिससे तुम्हारा लाइन पास करेगा। तुम सीधा लाइन का इक्वेशन मानना, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू वन, इंटरसेप्ट फॉर्म। तुम देखो ये लाइन इस पॉइंट से पास कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो अगर ये लाइन इस पॉइंट से पास करेगा तो ये पॉइंट इस लाइन को क्या करेगा, सेटिस्फाई। तो इन प्लेस ऑफ एक्स हम क्या रखेंगे, 4, और इन प्लेस ऑफ वाई हम क्या रखेंगे, -2। तो ये क्या बनेगा, 4 by a - 2 by b = 1 बना। ध्यान देना, यहां पे हमको इस लाइन का इक्वेशन चाहिए, तो इस लाइन का इक्वेशन चाहिए मतलब कि यहां से तुमको a और b का वैल्यू निकालना होगा। a और b तुम्हारे पास कितना अननोन है, 2 अननोन। तो 2 अननोन के लिए 2 इक्वेशन फॉर्म करना पड़ेगा ना। 2 इक्वेशन फॉर्म करने के लिए 2 कंडीशन पता होना चाहिए। 2 कंडीशन यहां पे पता है कि तुम्हारा जो लाइन है वो इस पॉइंट से पास कर रहा है, ये एक कंडीशन। दूसरा कंडीशन, वाई इंटरसेप्ट जो है वो डबल है, किसका डबल है, एक्स इंटरसेप्ट के। 2 कंडीशन है ना, यस सर। तो 2 कंडीशन दिया रहेगा, एक कंडीशन हमेशा पॉइंट रहेगा, दूसरा कंडीशन हमेशा इंटरसेप्ट से रिलेटेड रहेगा। क्लियर? तो पॉइंट को पुट किए तो देखो तुम लोग, ए और बी के रूप में एक ही क्वेश्चन तैयार हो गया। यस सर। अब इंटरसेप्ट का हेल्प लेंगे तो वहां से एक ही क्वेश्चन तैयार होगा। यहां पे y इंटरसेप्ट कह रहा, तुम ही लोग बताओ, y इंटरसेप्ट तुम्हारा बी है, x इंटरसेप्ट a है। तो y इंटरसेप्ट साफ साफ कह रहा है कि वो डबल है x इंटरसेप्ट के। तो तुम ही लोग बताओ, b जो होगा वो 2a होगा कि नहीं। हाँ सर। तो यहाँ पे b के प्लेस पे हम 2a रख सकते हैं। तो ये 4 by a - 2 by 2a = 1, इसको कैंसिल करो, 4 by a - 1 by a = 1, तो 3 by a = 1, तो a = 3 आया। Yes, sir. A अगर 3 आ गया, यहाँ पे 3 रखेंगे तो B 6 आएगा। Yes, sir. अब बताओ A और B तैयार होके तुम्हारे पास, तो जब तुम्हारे पास आ गया तो उसको अपने अकॉर्डिंग यूज करो। X by A के जगह पे 3, माइनस Y by B के जगह पे 6 = 1 आया। इन दोनों का LCM जो होगा वो 6 होगा। ये क्या आएगा, 2x + y = 1, 6 को इधर भेज दो तो 2x + y = 6, और यही तुम्हारा आंसर। कुछ गया दिमाग में? हाँ सर। हाँ सर, हाँ सर, बढ़िया समझ में आया सर। इसको दूसरा मेथड से भी तो कर सकते हैं ना, स्लोप निकाल के इंटरसेप्ट का ही लगा के। स्लोप कैसे निकालोगे सर, अगर x इंटरसेप्ट a है और तो y इंटरसेप्ट 2a हो जाएगा, तो मेरे पास 2 पॉइंट आ गया ना अपने आप, तो a और a कट जाएगा अगर स्लोप पे इसमें डालेंगे, क्योंकि रेशियो है। ठीक है, निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, समझे? हाँ सर। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं ना किसी को? बोलो। नो सर। हर्षिका? नो सर। अंश, अरिहंत? No, sir. हाँ,
कोई दिक्कत है भाई? हाँ सर बोल रहे नहीं सर। हमेशा याद रखना एक पॉइंट दिया रहेगा, एक पॉइंट दिया रहेगा और दूसरा कंडीशन ए और बी से रिलेटेड होगा, वो तुमको पढ़ के समझना होगा कि दूसरा कंडीशन ए और बी से रिलेटेड क्या है। दूसरा कंडीशन ए और बी से रिलेटेड होगा वो तुमको समझना होगा क्वेश्चन पढ़ के, ठीक है? लिखो एक फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन which passes through the point, find the equation of the straight line which passes through the point 3, 4, which passes through the point 3, 4 and sum of its intercept and sum of its intercept on the axis is 14. Bano ekdam soch ke samajh ke aage badho. आराम से धीरे धीरे एक एक स्टेप पढ़ाओ। एक तो पॉइंट से रिलेटेड दिया हुआ ना देख लो, दूसरा साफ कह रहा सम ऑफ इट्स इंटरसेप्ट। जैसे बताए हैं वैसे बढ़ाओ। उम्मीद है जी सर, बना रहे सर, बना बना। इतना टाइम लगेगा जी, इसका दो इक्वेशन बन रहा है सर, इक्वल टू 7 और एक बताते एक मिनट। क्या क्या फिर से बोल? x plus y equal to 7 ठीक है, और एक इक्वेशन होगा, एक मिनट सर, x plus y equal to 56 x plus y is equal to एक मिनट रुकिए सर, सॉरी सर एक मिनट नहीं 56 नहीं सॉरी एक मिनट रुकिए सर, क्वाड्रेटिक बन रहा है सर, बना क्वाड्रेटिक सॉल्व करो। ये हुआ 12 42 क्वाड्रेटिक को सॉल्व किया कि नहीं कभी? बी का दो वैल्यू आ जाएगा ना पर फिर? हाँ दो वैल्यू आएगा। देखो सुनो सुनो एक मिनट एक मिनट, एक दूसरा इक्वेशन होगा 4x plus 3y equal to 24 ठीक है सुनो, ये लाइन है,
ये किससे पास कर रहा है, 3.4 से, तो 3.4 इसको सेटिस्फाई करेगा, बोलो जी सर। हाँ सर। ये क्या बनेगा, 3a 3/a 4/b इक्वल टू 1। फिर यहां पे क्या कह रहा, सम ऑफ इट्स इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट तो यहां पे a और b है, तो सम ऑफ इट्स इंटरसेप्ट मतलब a प्लस b 14 होगा। बोलो हाँ सर। तो b तुम्हारा 14 माइनस a हुआ यहां से, पुट कर दो यहां पे, तो 3/a 14 माइनस a इज इक्वल टू 1। एलसीएम लो, 3 × 14 माइनस a 4a, a इंटू 14 माइनस a इज इक्वल टू 1 हुआ। अब देखो 3 × 14 तुम ही लोग बताओ, 3 × 14 क्या बनेगा, 42 बनेगा। हाँ सर। फिर माइनस 3a प्लस 4a, इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 14a, माइनस a स्क्वायर बना। अब इस a स्क्वायर को उठा के लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ, तो ये a स्क्वायर, ये 14a को इधर लाओ, तो देखो यहां से 14a इधर आएगा, तो माइनस 14a और प्लस a, तो माइनस 13a हुआ, प्लस 42 इक्वल टू 0। पहले बताओ ये समझ में आया सबको? जी सर। अब यहां से हम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, a स्क्वायर माइनस 7a माइनस 6a प्लस 42 इक्वल टू 0। इन दोनों से देखो a कॉमन, तो a माइनस 7 माइनस 6 कॉमन, तो a माइनस 7 इक्वल टू 0। तो अब देखो ये a माइनस 6 इंटू a माइनस 7 इक्वल टू 0, तो a का वैल्यू 6, तो अब a का वैल्यू 7 आएगा। बोलो आएगा कि नहीं, यस और नो? यस सर। ध्यान देना कैसे बनाया जाए, समझना, एक लाइन है जो पास करा 3.4 से और उसका इंटरसेप्ट का सम 14 है, इंटरसेप्ट का सम 14 है, तो गौर करो हम यहां पे लाइन दिए x/a + y/b = 1 लेंगे। ये लाइन किससे पास करा, 3.4 से, तो अगर 3.4 से पास करेगा तो 3.4 इसको सेटिस्फाई करेगा, आया ना? बोलो। यस सर। तो 3/a + 4/b = 1। अब यहां पे a और b है, तो a और b को एक वेरिएबल में चेंज करना, तो सम ऑफ द इंटरसेप्ट 14 है, तो b क्या बनेगा, 14 माइनस a बना, तो इन प्लेस ऑफ b हम 14 माइनस a रखे, फैक्टराइज किए, a का वैल्यू 6 और a का वैल्यू 7 आया। अब अगर हम a का वैल्यू 6 रखे यहां पे, तो तुम्ही लोग बताओ b का वैल्यू 8 आएगा कि नहीं? अगर हम a के जगह पे 7 रख दे, तो तुम लोग बताओ b का वैल्यू 7 आएगा? तो जब a 6 है तो b 8 है, जब a 7 है तो b 7 है, मतलब कितना लाइन आएगा, दो लाइन आएगा। एक बार हम a के जगह पे 6 रखते हैं, a के जगह पे 6 और b के जगह पे 8, तो ये x/6 6 और 8 का एलसीएम क्या आएगा, 24। ये 4x + 3y = 1, तो ये 4x + 3y = 24 आया। दूसरे केस में a का वैल्यू 7 और b का वैल्यू 7, तो x/7 + y/7 = 1, तो ये x + y = 7 आया। समझ आया सबको? बोलो। इसमें भी देखो कुछ वैसा ही था, एक पॉइंट दिया हुआ था और दूसरा कंडीशन जो था वो इंटरसेप्ट से रिलेटेड था ना। चलो लिखो एक और प्रॉब्लम। सर हम a के जगह पे 14 माइनस b रख के बनाए थे। हाँ ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लिखो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन विच पासिस थ्रू द पॉइंट α, β which passes through the point α, β. Find the equation of the straight line which passes through the point α, β. And this point
bisect and this point bisect the portion of the line and this point bisect the portion of the line intercepted between the axes and this point bisect the portion of the line intercepted between the axes full stop, so that the equation of the straight line is x by 2 alpha plus y by 2 beta is equal to 1. बनाओ जरा देखिए इसको कौन बनाता है सर एक बार पूरा रिपीट सो दैट द इक्वेशन ऑफ द क्वेश्चन है सुनो अ स्ट्रेट लाइन व्हिच पासेस थ्रू द पॉइंट अल्फा कॉमा बीटा एंड दिस पॉइंट बाइसेक्ट द पोर्शन ऑफ द लाइन इंटरसेप्टेड बिटवीन द एक्सिस फुल स्टॉप सो दैट द इक्वेशन ऑफ द लाइन स्ट्रेट लाइन इज x / 2 अल्फा प्लस y / 2 बीटा इज इक्वल टू 1 बनाओ क्वेश्चन को समझना क्वेश्चन समझ लोगे बन जाएगा याद रखना मेन है क्वेश्चन को समझना इसमें सब बन गया हाँ सर फोटो भेजो तो व्हाट्सएप पे जल्दी दिस पॉइंट बाइसेक द पोर्शन ऑफ द लाइन जिससे बन गया वो जल्दी से फोटो भेजो तो मेरे को अलग से भेजना ग्रुप में नहीं दिस पॉइंट बाइसेक द पोर्शन ऑफ द लाइन इंटरसेप्टेड विद द एक्सिस भेजो भेजो आप भेज क्यों नहीं रही हो बहुत बढ़िया युक्ति गुड वेरी गुड और कोई और किसी से बनेगा हाँ सर दो मिनट इतना टाइम में तो सब चीजें खत्म हो जाएगा
देखो मना इसको सुनो, ध्यान देना सब, एक स्टूडेंट से अगर बन गया तो सबसे बनना चाहिए, ये एक स्ट्रेट लाइन, ये पास करा अल्फा कॉमा बीटा से, समझना जरा क्वेश्चन, एक स्ट्रेट लाइन है जो किससे पास करा अल्फा कॉमा बीटा, फिर क्या कह रहा, फिर जो सेंटेंस उसको समझो जरा, एंड दिस पॉइंट, मतलब इस पॉइंट के बारे में कह रहा है, बाइसेक्ट, बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, टू इक्वल पार्ट्स, एंड दिस पॉइंट बाइसेक्ट, किसको बाइसेक्ट कर रहा, द पोर्शन ऑफ द लाइन इंटरसेप्टेड बिटवीन द एक्सिस, चलो फिर ठीक है देख लीजिए एक बार, याद करो तुम लोग को हम बताए थे, ये एक्स इंटरसेप्ट होता है, ये वाई इंटरसेप्ट होता है, और ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन, ये इंटरसेप्ट बिटवीन द एक्सिस होता है कि नहीं, तो ये पॉइंट जो है ना, इस पोर्शन, इस पोर्शन को बाइसेक्ट कर रहा, मतलब ये जो है इन दोनों का मिड पॉइंट है, ये जो है इन दोनों का मिड पॉइंट है, तो हम इसको मान देते हैं ए, इसको मान देते हैं बी, तो बताओ इसका कोऑर्डिनेट ए कॉमा जीरो होगा, इसका कोऑर्डिनेट जीरो कॉमा बी होगा, हमको चाहिए ए और बी का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ अल्फा बीटा, क्यों, क्योंकि यहां पे अल्फा और बीटा मालूम है, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला से ए प्लस जीरो बाई टू इज इक्वल टू अल्फा हुआ, तो ए बताओ टू अल्फा होगा कि नहीं, होगा ए टू अल्फा, होगा सर, फिर गौर करो यहां पे बी प्लस जीरो बाई टू इज इक्वल टू बीटा, तो बी तुम्हारा टू बीटा हुआ, अब फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू वन, ए के जगह पे हम टू अल्फा रखे तो एक्स बाई टू अल्फा आया, और बी के जगह पे हम टू बीटा रखे तो वाई बाई टू बीटा इज इक्वल टू वन आया कि नहीं, समझ आया कि नहीं आया, समझ में आ गया, देखो नेक्स्ट, फाइंड, तो समझो क्वेश्चन को क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन विच पासेस थ्रू पी, पी का कोऑर्डिनेट है 1 कॉमा माइनस 7, विच पासेस थ्रू पी, पी का कोऑर्डिनेट है 1 कॉमा माइनस 7 एंड मीट्स द एक्सिस, and meets the axis at A and B respectively. A 1, 7 के बाद क्या करना सर? Find the equation of the straight line which passes through the point P bracketed 1, -7. देखे? And meets the axis. And meets the axis at A and B respectively. At A and B respectively, such that 4AP minus 3BP is equal to 0. ठीक है? क्वेश्चन पहले लिखो, हम मीटिंग कैंसिल करके फिर से मीटिंग आईडी हम भेज रहे हैं. क्वेश्चन खत्म हो गया सर? नहीं. क्वेश्चन अभी बाकी है ना? बस खत्म हो गया, आपका बाकी रहेगा, भेज रहे मीटिंग आईडी. ठीक है, फिर से ए और बी सर इंटरसेप्ट है ना, एक्स और वाई का. हाँ,